हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब में करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब होगा? व्हाट इज द कंडीशन व्हेन लाइट बेंड? तो लाइट बेंड होगा जब दो मीडियम होगा। वो मीडियम क्या होगा? एक तो रेयर और एक डेंसर। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो जब ये रे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाएगा। बेंड हो जाएगा तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी अलग होगा। तो वो दिखाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए हमने एक एरो बनाया हुआ है और एक खाली बीकर ले लिया। आप देख सकते हैं अभी, ठीक है, कि एरो मेरा अभी क्या हुआ, राइट साइड दिखाई दे रहा है। एरो हेड कहाँ है? राइट साइड है। लेकिन अब इसी बीच क्या हो गया कि हम थोड़ा सा इसको पानी भरते हैं, ठीक है, पानी हमने भर दिया। अब आप इस एरो को देख सकते हैं कहाँ है। एरो आपको कहाँ दिखाई दे रहा? अब देखिए एरो, एरो कहाँ है? ये मेरा लेफ्ट साइड आ गया। एरो आप आराम से देखते हैं लेफ्ट साइड। अब इसका रियलिटी देखिए, राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एरो मेरा क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एरो है मेरा पीछे क्या हो गया, वो रेयर मीडियम में है और ये वाटर मेरा क्या है, ये डेंसर मीडियम है। तो वाटर क्या ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा हुआ क्यों, ये रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, कि जो लाइट पहले क्या है डायरेक्ट जा रही थी वहाँ पे एरो पे, लेकिन अब लाइट क्या हो गया, दो मीडियम को क्रॉस करके जा रही है। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है वो किस तरह से लेंस की तरह बिहेव करेगा, और वाटर लेंस की तरह बिहेव करेगा तो अब जो इमेज बनेगा जो वो बियॉन्ड द लेंस यानी फोकल लेंस के बियॉन्ड बनेगा, और इसकी वजह से बियॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। तो इसमें क्या हो गया, आप देख सकते हैं कोई जादू नहीं है, ठीक है, आप बस देखिए यहाँ पर पूरा ये साइंस है, ठीक है, आप पूरा ये साइंस देख सकते हैं एरो का। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।